नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में अपराध के ग्राफ के लगातार बढ़ने के बाद आज पूरे शहर में अपराध पर अंकुश लगाने व संदिग्धों की तलाश में वाराणसी के आईजी जोन विजय सिंह मणि ने वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष वाराणसी के साथ सीओ चेतांग समेत सिंगार पुलिस व यूआर टीम के साथ वाराणसी के रोडवेज सहित अन्य जगहों पर गेस्ट हाउस या ढाबे में औचक निरीक्षण किया गया। होटल में और गेस्ट हाउस में औचक निरीक्षण में खामी मिलने के बाद आईजी जोन विजय सिंह मणि ने हिदायत देकर कर्मियों को दोबारा ना करने की हिदायत दी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराधी उस तरह से उनकी मनोबल बढ़ गई है, कहीं भी गोली चला दे रहे हैं, किसी के साथ लूटपाट मारपीट उत्तर प्रदेश में हो रही है। हाल ही में हिंदू संगठन के नेता कमलेश तिवारी के भी मर्डर लखनऊ में हो गया था। इसको लेकर प्रदेश पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इस तरह से कोई भी घटना ना हो, लेकिन अपराधी मानसिकता के लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। देखने वाली बात अब यह है कि शासन प्रशासन क्या उस तरह के अपराधी छवि वाले लोगों के अंदर अपनी खौफ पैदा कर सकती है, डर पैदा कर सकती है कि इस तरह की घटना को अंजाम ना दे। शाम 7 बजे से लेकर 2300 बजे तक चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें होटलों में जाकर छोटे होटल बड़े होटल उनको जाके उसमें जो गेस्ट ठहरे हुए हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। उसी क्रम में आज मेरे द्वारा और एसएसपी बनारस के द्वारा यहाँ पर इस क्षेत्र के जो होटल्स हैं उनको चेक किया गया। उनके रजिस्टर के अंदर जो एंट्रीज थी, क्या वो लोग प्रॉपर तरीके से आईडीज को ले रहे हैं अथवा नहीं ले रहे, उसको चेक किया गया। साथ ही साथ फिजिकली भी रूम्स में चेक किया गया कि वास्तव में जो लोग रह रहे हैं उनकी एंट्रीज हैं या नहीं। दो तीन जगह पर हमें कुछ कमी मिली, जिसके अंदर जैसे दो व्यक्ति ठहरे हुए थे तो उसके अंदर एक व्यक्ति की आईडी थी, एक दूसरे की आईडी नहीं थी, जिसमें हमने कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। साथ ही साथ एक दो स्थानों पर आईडी भी नहीं थी, इसकी हम लोग जांच करा रहे हैं। मैनेजर का ये कहना था कि साहब वो जो रात की ड्यूटी वाला था उसके पास है, तो उसकी जांच करा रहे हैं। अगर इस पर नहीं होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी होटल वालों को निर्देशित किया गया है कि जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनके की दोनों की जो भी दो हैं तीन हैं सबकी आईडीज ली जाए, उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाए, और अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति उनको महसूस होता है तो उसको थाने को बताया जाए। साथ ही साथ में एक दो जगह पर हमने चेक किया कि सीसीटीवी थे वो प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर रहे थे, और एक जगह पर सीसीटीवी नहीं था तो उनको निर्देशित किया गया है कि सभी जगह पर सीसीटीवी, और इसी क्रम में पूरे जनपद में पूरे रेंज में पूरे जोन में। यह था बनारस से धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट, और इसी तरह की खबर देखने के लिए इस बी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।